अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंप आपके सामने था, कैंप बड़ा अच्छा जा रहा है अभी तक। और जहाँ तक आपने बात की न्यूजीलैंड की कंडीशन की, ये न्यूजीलैंड की कंडीशन थोड़ी मुश्किल होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस तरह का ब्रांड हमने प्रोड्यूस कर दिया है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे पॉजिटिव होंगे। अगर भी एडवांटेज है, हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाते हैं, बन के जा रहे हैं। पहले अगरचे टफ रहा है हमारे लिए सीरीज, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी के हम चैंपियन हैं, इस चीज़ का एडवांटेज होगा साइकोलॉजिकल आपके ख्याल में? देखिए, न्यूजीलैंड हमेशा से बड़ी डेंजरस साइड है, ठीक है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो मैच में नहीं खेल रहे, अपनी अपनी जो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको खेल की बात हम एडवांस, ठीक है। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, हम 9 मैचेस जीते हुए हैं, तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना पड़ेगा। हमारे लिए टफ होगा वहाँ पर, क्योंकि अगर हमारी आप यंग हमारी यंग साइड है, जो काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कभी पहले न्यूजीलैंड में क्रिकेट नहीं खेली, तो वहाँ पे पिचेस के अलावा जो है वो वेदर कंडीशन जो है ना, उसका बड़ा अमल दखल होता है कि हवा चल रही होती है, ठीक है। बहुत वेलिंगटन वगैरह में जहाँ हमारा मैच है, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो हमारे बॉलर कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, ये चीज़ों पर काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मुकाबला, इसलिए ज़्यादा सख्त नहीं देखते कि अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ खासा, क्योंकि सीरीज़ खेल रहे हैं, इन फॉर्म है, हम ज़रा ब्रेक के साथ जा रहे हैं। दूसरे ये कि उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत आला है, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को तो बहुत बहुत बुरी तरह हराया है, कैसे देखते हैं हम? डेफिनेटली वो मैंने पहले जैसे कहा कि अच्छी टीम है वो, न्यूजीलैंड को आसान टीम नहीं है, स्पेशली जब वो अपने घर पर खेलते हैं तो मुश्किल टीम है। और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप विलियम्स हैं, उनका कैप्टन है, गुप्टर हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो किसी वक्त भी गेम को चेंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी, और हमें जो है जो ब्रांड हम जिस ब्रांड से हम क्रिकेट खेल रहे हैं उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आसान कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बात है वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं हमारे घर पर, लेकिन गुड साइन हमारे लिए ये है कि हमारे जितने भी लड़के थे वो सारे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसका हमें एडवांटेज। बॉलिंग हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रेंथ बॉलिंग है, या जिस तरह बैटिंग में हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं हर जगह, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी सवाई फाइनल के अलावा हमने स्ट्रगल किया था, तो इन कंडीशन में किस तरह आप मैनेज करेंगे बॉलिंग के साथ, आप स्ट्रेंथ में जाएंगे? डेफिनेटली बॉलिंग कुछ आज की बात नहीं है, बॉलिंग हमारा जो है ना काफ़ी अच्छे से, अगर लास्ट पिछले 20 साल मुझे भी होगी क्रिकेट में मॉल, तो हमारी बॉलिंग ही हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। बैटिंग में होता था कि हमारे जब हम सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते थे तो हमें प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है जो हमारे इस वक्त लड़के हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं और उनको सीखने का मौका मिलता है। यही सिचुएशन होती है जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, जहाँ पे लोग बात करते हैं अवे फ्रॉम होम, तो वहाँ पे जो लड़का परफॉर्म करता है उसका नाम भी उसी तरह बनता है। और लड़के सारे कीन हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, तो आई थिंक उनको पता है कि उन्होंने उनका रोल टीम में रोल पता है, उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरह बिल्ड करनी है अपनी। नहीं तो जैसे बाबर वहाँ पे पहले पिछले साल खेल चुके हैं, अच्छा टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस भी की थी उसने, तो अच्छा अच्छा साइन है हमारे लिए, और हमारे लिए हमारी यंग साइड के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहाँ पर। देखिए, इंजरीज तो किसी को भी हो सकती है, फास्ट बॉलिंग में इंजरीज का तो जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका वर्कलोड जो है ना, आप टेस्ट मैच की बात करते हैं, कई टेस्ट मैच में वर्कलोड हुआ, लेकिन आप लोग सिर्फ टेस्ट मैच देखते हैं या लोग जो घर पे बैठे हैं सिर्फ टेस्ट मैच देखते हैं, वो ये हार्ड वर्क नहीं देखते, आप प्रैक्टिस करते हैं, कैंप आपका होता है, तो उसमें आप कितनी ज़्यादा बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ में हैं। हम अपने बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से हमने एक बेंच जो बनाया है हमारे जो बॉलर्स का बैंक था, हम उसमें अपने प्लेयर्स को रोटेट कर सकें, ठीक है। देखें जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने खेला, गुमान आया, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस की इंग्लैंड के खिलाफ, तो यही चीज़ है कि अभी जब वो नहीं था, फिर छनवाली जब आया तो उसने परफॉर्मेंस की, तो हम साथ साथ में ये इन चीज़ों पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन है कि हम अपने बॉलर्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंजरी तो बॉलर्स को होती है, दुनिया का कोई ऐसा बॉलर बता दें मुझे जिसको इंजरी ना हो, ये इंजरी तो पार्ट ऑफ पार्सल है फास्ट बॉलर के साथ, और किसी भी प्लेयर के साथ। कौन एक चीज हो रहा है कि हफीज जो है वो बॉलिंग के लिए आपको अवेलेबल नहीं है, तो बॉलर बॉलिंग कोच क्या करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, शेयर मलिक बॉल करेंगे या आपको फुल सेट पार्ट बॉलर से ज़्यादा करेंगे? देखें, डेफिनेटली हफीज बॉलिंग नहीं करेंगे तो उसका हमें
डिसएडवांटेज तो है क्योंकि वो जिस तरह वन डे क्रिकेट में नंबर वन ऑलराउंडर हैं वो दुनिया में, तो वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो सारी सी बात है हमारे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारे पास शुएब हैं, हमारे पास शदाब हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपेंड करता है कि हारिस अगर वहाँ पर खेलते हैं तो हारिस की शक्ल में हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि हम किस कम्बिनेशन से जाते हैं। डेफिनेटली हमें हमारी बॉलिंग ही स्ट्रेंथ है, हम बॉलिंग से जीतते हैं। तो जब तक आप 10 विकेट नहीं लोगे आप वन डे मैच नहीं जीत सकते। तो आई थिंक हम देखेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे लिए बने उसको हम मेंटेन करें, चाहे वो चार बॉल और चार पास बॉलर के साथ एक स्पिनर है या जो तीन पास बॉलर के साथ है, वो हम वहाँ जाकर देखेंगे। अगर आप पाकिस्तान टीम के प्रोफेशनल कोच हैं, वहाँ पर आज इसका प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान के रहे हैं, अब वो T10 भी खेल गए हैं, कैद आजम ट्रॉफी का फाइनल भी खेले हैं, ठीक है, सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलिंग कोच होने के नाते वहाब के साथ आपने क्या मसला देखा? यकीनन आपका भी फीडबैक सिलेक्शन कमेटी ने लिया होगा, वहाब क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्या उसमें एरर आ रहा है जिस पर उसको काम करना चाहिए? हमारे पार्ट है इस टीम का, मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट मैच में हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर, ठीक है। अगर आप वहाब की अगर वन डे की परफॉर्मेंस देखें, अगर आप पिछले 15 मैचेस 10 से 12 मैचेस वहाब के देखें तो वहाब की परफॉर्मेंस नहीं है। ये नहीं है कि वहाब को हमने आउटलाइन कर दिया कि वहाब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं, वहाब इसी सिस्टम का हिस्सा है, वो इस पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो आपके पास जब बेंच में ऐसे लड़के हों के जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अनफॉर्चुनेटली वहाब इंजर्ड हुआ, जो लड़के आए उन्होंने परफॉर्मेंस की वन डे क्रिकेट में, तो फिर जाहिर सी बात है उन लड़कों को चांस मिलेगा जिन लोगों ने परफॉर्म किया है। तो इस वजह से अभी अगर कोई खुदा न खासा ऐसी बात होगी तो वहाब वापस आएगा, वहाब को किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया। अच्छा भाई, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ऑफकोर्स कंडीशन भी टफ है, लेकिन हमने जहाँ से जीता था इंग्लैंड में वो कंडीशन भी बहुत टफ है, अब न्यूजीलैंड की एक टफ टीम है, कंडीशन भी टफ है, बट थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस है कि हम पहले जब जाते थे और अब हम जा रहे हैं, एक मोरल इस बार आप प्लेयर्स का डिफरेंट देख रहे हैं आप उसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें थ्रू आउट जो हम अभी रिसेंटली क्रिकेट खेले हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज आपको पता चलता है जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती है, आपको पता चलता है कि एक डिफरेंट माइंड सेट जो है वो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से आपको उनकी चाल से नज़र आता है कि डिफरेंट माइंड सेट है, वो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी आपको हेल्प करती है जब आप जाते हैं। लेकिन मैं पहले भी जो बात की कि कंप्लेसेंट नहीं होना हमने, कि ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन डेफिनेटली लड़कों को पता है जब आप विक्ट्री मिलती है तो कैसे आप अपने आप को कैरी करना है, कैसे आपने जाना है। और जाहिर सी बात है जब एक मैच 19-20 होता है तो फिर बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। क्रिकेट में हार जीत होती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ जो हसन ने भी बात की, मैं जब से मैंने मैं इस कोचिंग रोल में आया हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो अगर हम ये अमल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है ना मजीद कामयाबियाँ देते हैं। सर कैसे आप ऐसे बॉलिंग कोच समझते हो कि सिर्फ 5 टेस्ट मिले हमें 2017 में, टेस्ट क्रिकेट बेसिक कमी रहती है क्रिकेट, तो हमें उस तरह उसको मैार के ऊपर नहीं पूरे होते थे, ना ही हमें इतनी ज़्यादा मिल रहे हैं टेस्ट मैचेस, तो कमी महसूस करते हैं टेस्ट क्रिकेट? लेकिन डेफिनेटली टेस्ट मैच इस अल्टीमेट क्रिकेट जिसमें आपका सारा टेस्ट होता है, आपकी फिजिकल मेंटल हर किस्म की स्ट्रेंथ का आपको टेस्ट मैच में ही होता है, और हम टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे जिसका अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें आई थिंक के टेस्ट मैचेस कम मिल रहे हैं। अब आप जब शारजा दुबई अबू धाबी में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखें आप पूरा साल क्रिकेट वहाँ नहीं खेल सकते, आपका वेदर जो है ना 3 महीने का विंडो पीरियड होता है आपके पास, तो आपने दूसरी टीमों को भी देखना पड़ता है कि किस तरह आप उसको मैनेज करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये बदकिस्मती है कि हम ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, जैसे बाकी दुनिया की टीमें जो है ना 10 से 12 टेस्ट मैचेस खेलती हैं, आई थिंक हमें भी अगर हम खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट को और फायदा होगा। सर कैसी पिचेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आप जा रहे हो, तो किस तरह की पिचेस हैं वहाँ पे? पिचेस जो है ना जी, पहले तो होता था कि सॉफ्ट पिचेस होती थी, ठीक है, मैं वहाँ पे ऑकलैंड से खेला, तो अमूमन अब ज़्यादा ग्राउंड्स पे वो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, तो वो ड्रॉप इन पिचेस अगर होंगी तो वो फ्लैट बैटिंग पिचेस होंगी, उसमें उसमें आपकी ग्राउंड फील्डिंग जो विंड का है वो उसमें आपको देखना पड़ता है, बाकी जो है डिपेंड करता है कि हमें वो ड्रॉप इन पिच देते हैं या कैसी पिच देते हैं। क्योंकि हम लोग जिस वक्त टेस्ट मैच के लिए लास्ट टाइम न्यूजीलैंड गए थे उस वक्त विंटर था, अभी आप देखें कि जो अभी भी जो सीरीज हुई है उसमें पिचेस अच्छी मिली हैं, तो नॉर्मली पूरी दुनिया में विकेट पे ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिसमें आपको जो है ना ऐसी। थैंक यू।